अभिनंदन के सारे लोग सवाल करते हैं कि गुरुदेव, मुसलमान अपनी बहनों से शादी कर लेता है लड़का, आखिर इसके पीछे का सेक्सी राज क्या है? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मुसलमान क्यों करता है अपनी एक खून की बहनों से, लड़कियों से शादी। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, ऐतिहासिक कारण भी है इसके पीछे और मनोवैज्ञानिक सेक्सोलॉजिकल कारण भी है इसके अंदर, हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों में गलतफहमी दूर हो, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, पंजाबी हो या फिर कुछ और संप्रदायों से रिलेटेड, नो मैटर यार। सबसे पहले तो हम चलते हैं इस्लाम की स्थापना की ओर से। इस्लाम की स्थापना का जो मुख्य श्रेय जाता है वो नबी साहब को जाता है, मोहम्मद साहब को जाता है। वो मोहम्मद साहब जो बुराइयों के खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई थी और लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे उस दौर में, उस जमाने में, अर्थात मोहम्मद साहब के समय पर लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। पैदा होने के बाद लड़कियों को मशीनों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, फैक्ट्रियों की तरह, केवल और केवल बच्चा पैदा करने के लिए। आज भी आप देख रहे हैं कितने आतंकवादी, कितने तालिबानी भी आज भी औरतों के साथ कैसे बदसलूक करते हैं, जबकि मोहम्मद साहब ने कहा है कि औरत अगर पाक दिल औरत मिल जाए तो उसकी मोहब्बत एक जन्नत के समान है। आज देखिए कैसे औरतों की दुर्दशा हो रही है, तालिबानी कैसे बेच रहे हैं लड़कियों के लिए, औरतों के लिए गुलाम बना करके उनको यौन दासी बनाया जा रहा है। देख लीजिए, इतिहास की बात छोड़िए, आज हम लोग वर्तमान में जीवित हैं और हमें आपको ये देखने का दुर्भाग्य नसीब हो रहा है, इसे सौभाग्य नहीं कहेंगे, दुर्भाग्य से देखने को मिल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। सोचो पहले कितने बुजदिल और कितने अत्याचारी लोग रहे होंगे, उनके ही ये वंशज हैं तालिबानी जैसे उग्रवादी लोग। तो बहन और भाई ध्यान से सुनिए, मोहम्मद साहब को जो परेशान किया गया, उनकी जान के दुश्मन बन गया, उनके जो चाहने वाले थे उनके साथ में भी भगाया जा रहा था, मार काट करके, दुराचार करके, बलात्कार करके, उनकी माँ बहनों के साथ, जैसे आज तालिबानी कर रहे हैं अफगानियों के साथ में, चल रहा है ना, पैरेलल चल रहा है। आज मैं वो किस्सा इतिहास और वर्तमान को जोड़ते हुए तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जब मोहम्मद साहब के लिए मजबूर होकर के पलायन करना पड़ा, अपने जन्म स्थान को, मादरे वतन को छोड़ के जाना पड़ा, तो उनके साथ उनके जो अनुयायी थे, मुरीद थे, वो सब भी अपनी अपनी फैमिली को लेकर के चले गए और जाने के बाद में, लेकिन फिर भी जो है उनके पीछे हमले होना बंद नहीं हुए। उनकी खोज में जो पहले की राजनीतिक खलीफा पार्टियां थीं, जो दल थे, उन लोगों ने उनके लिए फिर भी पीछा करना ना छोड़ा। तब मोहम्मद साहब ने कुछ राजनीतिक स्टंट निकाले, देश काल और परिस्थिति के आधार पर, कि अगर आतताई से लड़ना है तो तलवार उठाना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत आ रही थी उस समय कि जो भागे हुए लोग थे उनके साथ जिन्होंने पलायन किया था वो कम थे संख्या में, ठीक है, उनके चाहने वाले कम थे, तादाद कम थी। तो अब जो उनके लड़के थे उनकी शादी कहाँ किया जाए, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। जैसे पहले हमारे बचपन में कहते थे कि किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था, तो एक प्रकार से मोहम्मद साहब के अनुयायियों का, मोहम्मद साहब का जो बहुसंख्यक अत्याचारी समाज था उस दौर का, उन्होंने हुक्का पानी बंद कर दिया कि कोई भी इनके लोगों को, इनके लिए मोहम्मद साहब को कोई शरण नहीं देगा, कोई इनके लिए सहयोग नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा, जो देगा वो खिलाफ, वो जो खलीफा लोग थे, जो अत्याचारी गैंग था, दल था, जैसे आज तालिबानियों का है,
बहुत सारे लोग इनके लिए प्रमाणिकता भी देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, शायद कुछ सुधार हो जाए। उसी प्रकार से उनके साथ में भी यही हुआ। तो फिर जो लड़के थे, लड़ाकू थे, मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, तो वो अपने लड़कों की शादी कहाँ करें और लड़कियों की शादी कहाँ करें, क्योंकि औरों से जो बहुत बड़ा उनका समुदाय था, जिस समुदाय से ये थे, जिस मादरे वतन से थे, उन लोगों से तो ये कट ऑफ हो गए, अलग हो गए, तो करें क्या। तो उन्होंने एक नियम निकाला कि अपनी सगी बहन को छोड़ करके चाचा, ताऊ, खाला, इन सब की बेटी से बेटे का विवाह हो सकता है। तो ये एक सिचुएशन थी, उस समय परिस्थिति थी। अगर ये परिस्थिति किसी के भी साथ में अगर आ जाएगी, तो मुझे लगता है उसको भी ये नियम अपनाने होंगे, समझ रहे ना। तो ये इसका मुख्य कारण रहा है। दूसरे कारण ये रहा है, एक सेक्सी कारण है, मनोवैज्ञानिक है, मोहम्मद साहब ने उसको समझ लिया था कि अगर हम लड़कियों की, चूंकि हमारा समाज छोटा है, समुदाय छोटा है, मोहम्मद साहब ने सोचा, तो ये लड़की अगर गैर के साथ में भागेगी तो वहाँ बच्चा पैदा करेगी, तो तादाद उनकी बढ़ेगी, तो क्यों ना इनकी आपस में ही शादी कर दिया जाए, जिससे हमारी तादाद बढ़े और सेक्स करने के लिए भी इधर उधर मुसलमान लड़कों को या लड़कियों के लिए कहीं दूर गैर मुसलमान या फिर जो ईमान नहीं लाया, ऐसे जो मोमिन है या जो लोग हैं या फिर जो काफिर है, उस समय उनको काफिर कहते थे जो मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स नहीं थे, जो ईमान नहीं लाते थे, जो अच्छाई पर नहीं चलते थे। तो अगर ऐसे लोगों के साथ में वो संपर्क करेगी, तो फिर वो भी जो है एक शैतान के रास्ते पे उसके चलने वाले बच्चे होंगे, और इसलिए भी ये नियम बनाया गया। तो इसके आम के आम, गुठलियों के दाम थे, ये एक राजनीतिक स्टंट था, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुसलमानों की तादाद बहुत हो चुकी है, 55-56 देशों में ये है। और मुझे नहीं लगता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ये हैं कि सगी बहन से शादी करने से जो गुणवत्ता होती है, जो ब्लड रिलेशंस जो होते हैं इसमें, तो बीमारियां होने की ज़्यादा संभावना होती है। जैसे किसी के बाप में टीबी की बीमारी है, लकवा की है, या जोड़ों के दर्द की है, तो जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है वो बेटियों में भी आती है। अब सपोज़ करो कि चाचा के अंदर ये बीमारी है, ताऊ के अंदर ये बीमारी है, तो वो अगर करेंगे तो वो जो है बीमार ही संतान पैदा होगी, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हो या फिर शारीरिक रूप से बीमार या पंगु हो। जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है, हिंदू जो है कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक बचाते हैं, ननिहाल को भी बचा देते हैं, और जो उनके परिवार की होती हैं, दादा पक्ष की, पितृ पक्ष की, उनको भी बचाते हैं। एक आध जगह कहीं पे उदाहरण आया है कि मामा की लड़की से शादी की जा सकती है, क्योंकि हमारी माँ जिस मातृपक्ष से आई है, तो वहाँ की लड़की को लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे उदाहरण महाभारत के अंदर, इतिहास के अंदर पाए जाते हैं। तो खून माँ बाप को ही नहीं बचाना है, हमें खून को भी बचाना है, हमें कुल गोत्र को भी बचाना है। इससे क्या होता है, एक नई नस्ल, नया ज्ञान, जैसे नए नए लोगों से हम लोग मुलाकात करते हैं, तो उससे आदान प्रदान ज्ञान का, समझ का, अकल का होता है। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने ब्लड के साथ साथ अपनी पीढ़ी को ध्यान में रख करके ये विवाह इत्यादि किए जाते थे और करने चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक फायदे हैं। और जैसे कहते हैं कि रमता जोगी बहता पानी, तो बहता पानी जो होता है शुद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक परिवार से लगातार जब विवाह चलते हैं, तो उन लोगों की जो रूढ़िवादिता है वो बनी रहती हैं और नए का स्वागत नहीं कर पाते हैं। शायद ये भी एक मुख्य कारण है इस्लामिक लोगों की कट्टरता का, क्योंकि वो नए का स्वागत नहीं करते हैं, वो अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते हैं। इसीलिए उनके अंदर बदलाव कम हो रहा है, उनके अंदर जो है समझ की कमी है और धर्मान्धता ज़्यादा है। और हिंदुओं के अंदर ये जो कुलगोत्र को बचा के जो विवाह किए जाते रहे, इसीलिए हिंदू के अंदर इतनी उदारता, सहिष्णुता और समझदारी और नई सोच और नए के स्वागत करने की जो सामर्थ्य और समझ पाई जाती है, वो यही मुख्य कारण रहा है।
तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता है? हिंदू को नहीं करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मोहम्मद साहब की मजबूरी थी इसलिए उन्होंने किया और करवाया। आज मुसलमानों को भी इससे बचना चाहिए, इससे बहुत सारे नुकसान हैं, वो नुकसान आपको शायद इतनी जल्दी मैं समझा नहीं पाऊँगा और समझ भी नहीं पाएंगे आप छोटी सी वीडियो में। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, एंजॉय करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपको मूलभूत जानकारी का पता चल सके। ओ शांति ओम क्रांति।